राजस्थानी भाषा मारी मायड़ भाषा और मायड़ भाषा रा प्रेमी राजस्थानी संसद में आके अपनी आवाज़ पुरजोर तरीका से उठाई। ई आवाज़ ने मैं आप तक पहुंचा रहा और थे भी समर्थन में सागे आओ कि धोरड़ियां रे बीच धर्म री धरती है, धोरड़ियां रे बीच धर्म री धरती है, और तावड़िया में तपे ठंड में ठरती है, के रूखा छाई रेत रतन रंग रलती है, मिजमाना मनुवार मुलकती करती है, मिजमाना मनुवार मुलकती करती है। राम राम सा खमागणी, मैं प्रहलाद सिंह जोरड़ा आज री इन राजस्थानी संसद में आप सबरो गणमान स्वागत अभिनंदन करूं। बात राजस्थानी मायड़ भाषा मान्यता री लेर आज आप भेड़ा हुआ हाँ, आज आप बात कर रहा हाँ, राजस्थानी संसद रो आयोजन राख्यो है। घनी दुखद बात है कि आज आप देश आज़ाद हुआ ने 75 वर्ष हो गया, लेकिन फिर भी आप भाषा ही रूप आज भी आज़ाद नहीं हाँ। आप री भाषा जकी है राजस्थानी, जकी आज़ादी हूँ पहली राजकाजरी भाषा होती, पर आज भी ने राजकाजरी भाषा हूँ बारे है, राजकाजरी भाषा नहीं है। आपारी बात जकी है आपारी राजस्थानी रमाइने सरकार तक नहीं पुगा सका, आ एक बड़ी विडंबना है। तो इन खातर आज री संसद रो मकसद जो ओ है कि राजस्थानी भाषा जकी है उनने केंद्र सरकार मान्यता देवे, 8वीं अनुसूची में शामिल करे। राजस्थान री सरकार जकी है बा सरकार उनने राजभाषा रो दर्जो देवे। प्राथमिक शिक्षा जकी है, चूंकि लारली साल जकी यहाँ पर केंद्रीय शिक्षा नीति जकी आई भारत सरकार लागू करी, उन शिक्षा नीति में भी वो प्रावधान है, और गांधी जी भी कहता कि प्राथमिक शिक्षा जकी है बा मातृभाषा में होनी चाहिए। तो प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में, प्राथमिक शिक्षा रो माध्यम जो है वो मातृभाषा लागू करे सरकार, आस ले परार आपा जकी है आज बात कर रहा हाँ, बंतल कर रहा हाँ, भेड़ा हुआ हाँ। और ओ मूल अधिकार भी है, संयुक्त राष्ट्र संघ भी बात ने माने है कि भाषा जकी है व्यक्ति रो मूल अधिकार है, तो मूल अधिकारारी रक्षा करनी जकी है वो सरकार रो दायित्व है। इन दायित्व वास्ते यहाँ पर सरकार सु आह्वान करा आज के हमारी जकी भाषा है उन्हें आप जकी है मान्यता दो। और आंदोलन की जे बात करा तो मायड़ भाषा रे वास्ते आंदोलन आज़ादी जकी आपा ने मिली उन भगत सु लेर आज तक लगोलग चाल रही है। शुरू मायने आपा चूंकि निरक्षर हा, जब आपा ने आज़ादी मिली तो भी वास्ते आपा पर दूजी भाषा थोप दी गई, पर आज राजस्थान में शिक्षा जो स्तर जो है वो जियाँ जियाँ बदियों है, बियाँ बियाँ भाषा री मान्यता री जकी बात है वह जोर पकड़न लागी है। और भाषा री जब बात आवे तो भाषा, क्योंकि अगर मान्यता नहीं मिली आने वाला 10-20 साल और अगर निकल गया तो राजस्थान री भाषा राजस्थानी खत्म हो जाएगी, और राजस्थानी खत्म होने रो मतलब है राजस्थान रो साहित्य, राजस्थान री संस्कार, राजस्थान रा रीति रिवाज, राजस्थान रो पहरावो, सब कुछ एक तरह संस्कृति जकी है वह पूरी री पूरी राजस्थान री संस्कृति खत्म हो जाएगा। उन राजस्थान री संस्कृति ने अगर आपा ने बचानी है तो राजस्थानी भाषा ने बचानी जरूरी है, और राजस्थानी भाषा जकी है वह जद ही बचेला, जद आपा जकी है इन्हें 8वीं अनुसूची में शामिल कराला और शिक्षा रो जो को माध्यम है वो बनावाला, कोई तरह री अड़चन जकी है बा राजस्थानी भाषा ने मान्यता देवण में नहीं है, क्योंकि भारत सु बारे भी नेपाल री सरकार जकी है बा भी राजस्थानी भाषा ने मान्यता दे राखी है। 10 करोड़ सु बेसी लोग जका है राजस्थानी भाषा बोले है, तो राजस्थानी भाषा रो समृद्ध साहित्य भंडार है, राजस्थानी भाषा रो लूंटो शब्दकोश है, राजस्थानी भाषा ने बोलने वाला 10 करोड़ सु बेसी है, राजस्थानी भाषा री पुरानी लिपि मुड़िया की, और राजस्थानी भाषा आज जिया कई भाषा में लिखी जाए देवनागरी लिपि में उन हिसाब लिखी जा रही है। तो मारो निवेदन वही है कि राजस्थानी भाषा जकी है उन्हें मान्यता दी जावे। अंतिम पंक्तियां सागे मैं आह्वान करूं के तालो जड़ियो क्यों मारी वाणी रे, तालो जड़ियो क्यों मारी वाणी रे, मारी ओळख है माणी रे, पीढ़ारी अमर निशानी रे, के आ भाषा मीरा बाई री आवड़ करनी मांगाई री रे, आ भाषा मीरा बाई री आवड़ करनी मांगाई री, गिरधर ने खींच जिमावे उन कर मारी कर्म कमाई री रे, कर मारी कर्म कमाई री, के आई पुजवाई रूठी रानी रे, मारी ओळख है माणी रे, पीढ़ारी अमर निशानी रे, के तालो जड़ियो क्यों मारी वाणी रे, मारी ओळख है माणी रे, पीढ़ारी अमर निशानी रे। जय राजस्थान, जय राजस्थानी।